डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, जैसे कि 2, 3, 4, 1। उसके बाद मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी क्या है? 1, 2, 0, 3। इसको हम कैसे ऐड करेंगे? ए प्लस बी, जैसे कि 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। उसके बाद 3 प्लस 2, उसके बाद 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, उसके बाद 1 प्लस 0, उसके बाद ए प्लस बी इक्वल टू 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, 1 प्लस 0 1। ये आपका आंसर है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी? 3 5 7 1। ये आपका आंसर। और देख लेते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स ए क्या है? 7 0 2 1। उसके बाद मैट्रिक्स बी क्या है? 5 A 0 2। इसको हम ऐड करेंगे, जैसे कि ए प्लस बी इक्वल टू, इसको हम कैसे करेंगे? सेम पैटर्न से, ए प्लस बी इक्वल टू 7 प्लस 5, उसके बाद 0 प्लस 8, 2 प्लस 0 1 प्लस 2, उसके बाद ए प्लस बी इक्वल टू 7 प्लस 5 12, 0 प्लस 8 2 प्लस 0 0 1 प्लस 2 3। ये आपका आंसर। और देख लेते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स ए 3 6 9 0 4, मैट्रिक्स बी क्या है? 'इसको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। ऐड करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3। इस मैट्रिक्स का रो क्या हो, ऑर्डर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2। इसका ऑर्डर सेम नहीं है तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। अगर ऑर्डर सेम हो तो ही ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे माइनस। जैसे कि मैट्रिक्स ए क्या है? 3 4 7 6। मैट्रिक्स बी क्या है? 1 2 5 3। इसको हम कैसे माइनस करेंगे? जैसे कि मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स बी, सेम पैटर्न से करेंगे। जैसे कि 3 माइनस 1, 4 माइनस 2, 7 माइनस 5, 6 माइनस 3। आगे ए माइनस बी, इसका आंसर क्या होगा? 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 5,
तो 5 माइनस 7 माइनस 5 टू, 6 माइनस 3 3, ये आपका आंसर होगा। और देख लेते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स ए क्या है, 8 9 0 5, उसके बाद मैट्रिक्स बी क्या है, 2 7 0 3, इसको हम कैसे करेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू 8 माइनस 2, उसके बाद 9 माइनस 7 0 माइनस 0, 5 माइनस 3, 8 माइनस 2 क्या होगा, 6, 9 माइनस 7 क्या हो गए, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 3 2, ये आपका आंसर।